हाय, मेरा नाम वरुण है, और तुम? दुल्हन की बहन हूँ मैं। तुम ऐसे चिढ़कर बात क्यों कर रही हो? मुझ पर किसी बात का गुस्सा है क्या? Do you have any problem? Oh, man, damn roads, they never change. Hello, ये roads हमारे हैं, हमने बनाए हैं, जितनी हमें आती है उतनी बना दी। तुम्हें आती है क्या? नहीं आती ना? तो चुपचाप बैठो। देसी फिरंग खुद को 30 मार का समझते हैं। सिर्फ तुम ही ऐसी हो? या अपनी बहन पर गई हो? हेलो, बहन के बारे में कुछ मत बोलना, खरा सोना है वो। किस बात पे हंसी आ रही तुम्हें? ये शादी ब्याह कोई मजाक है क्या? पता है हमें कितनी टेंशन है? पता नहीं आके क्या क्या पूछते हैं। फूल लाओ, साड़ी पहनो, मिठाइयाँ लाओ, फेशियल कराओ। लड़के के आने से पहले नींद नहीं आती और जाने से उड़ जाती है। वैसे तुम ये सब कैसे जानती हो? बहुत एक्सपीरियंस है क्या? लड़का अगर हाँ या ना नहीं कहता, मेरा छोटा भाई भी आकर देखेगा ऐसा कहता है, और फिर हीरो एंट्री मारता है। तुम्हारे भाई में दिमाग है कि नहीं? मुझे जो कहना है कह लो, भैया को कुछ मत कहना, खरा सोना है वो। अब उन्हें लगा कि मैं सेकंड ओपिनियन दे दूं तो मैं आकर तुम्हें तो गला दबाकर यही मार देना चाहिए। सेकंड ओपिनियन वाले लड़कों को कार में बिठा रखा है, फूटी फूटी किस्मत। मुझे भी तुम्हारे साथ बैठकर कोई मजा नहीं आ रहा, मैं यहीं उतरूंगा। जस्ट स्टॉप द कार। पता नहीं भैया तुम्हारे घर में क्यों रुके हैं, होटल में रुकना चाहिए था। फॉर्मेलिटी के लिए रोका था और वो रुक गया, हमने उससे नहीं कहा था। मुझे यहीं उतार दो प्लीज, कार रोक दो। पापा मार डालेंगे। ऐसा क्यों? व्हाई? दूल्हे के भाई की बेइज्जती कैसे कर दी? स्वर्ग से उतरे हो ना। मैं ऑटो में तुम्हारे पीछे आऊंगा, तुम्हारे पापा से कुछ नहीं होगा। प्लीज स्टॉप द कार, सीरियसली स्टॉप द कार। ओके, कहीं तुम इसकी वजह से मना तो नहीं करोगे? ये सब हमारे लिए भी मजाक नहीं है। ओके, हे भैया ने मुझे यहाँ बुलाया, इसका मतलब उन्हें तुम्हारी बहन बहुत पसंद है। एटलीस्ट रिस्पेक्ट दैट, नो? हे, यू नो व्हाट? पहले चिल्लाती हो फिर सोचती हो, कभी उसका उल्टा करना। ट्राई दैट, ओके? मेरे पास पैसे नहीं है। किस लिए? तुम ज्ञान बांट रहे हो ना, फोकट में हम कुछ लेते नहीं, इसीलिए। इस गाड़ी के पीछे चलो। No chocolate. No. All right, guys. Guys, listen. Renu का मुझे बहुत पसंद है। हाँ? मेरा मतलब वो बहुत अच्छी है। Wow, finally! Awesome भैया, superb. और तुम्हें जाकर सिर्फ हाँ कहना है, okay? सिर्फ हाँ कहने के लिए बुलाया है? इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हाँ? उन्हें भी हमारे बारे में पता होना चाहिए, right? वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन उसकी छोटी बहन, I think she's kind of crazy man, मुझे रोड पे छोड़ दिया। हम उनके घर में क्यों रह रहे हैं? हमें किसी होटल में रहना चाहिए। सबने बहुत रिक्वेस्ट किया, मुझे जाने ही नहीं दिया। देख, just go and say okay. ज़्यादा सवाल मत पूछना, okay? Okay, boss. आजा बुजी। अरे मुझे भाभी मिलने वाली है। और मुझे मम्मी मिलेगी। मेरा यहाँ आना और आकर हाँ कहना ये सब बकवास है, पहले आपकी हाँ होनी चाहिए। भैया हमेशा काम है कहकर टालते रहते हैं, लोगों के बीच नहीं आते, वर्कहॉलिक हैं। आप उनका ख्याल रखिए, हम आपका रखेंगे, हम दोनों सारे काम कर लेते हैं, है ना बुजी? या या। आपको काम करना है तो काम कीजिए, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कीजिए, सब अच्छा है वहाँ पर। भैया को आप बहुत पसंद है, आपकी तारीफ कर रहे थे, आप दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। क्या मैं आपको भाभी कहूँ? यस। तुमने अपने बारे में नहीं बताया। हाँ, बताने के लिए कुछ है ही नहीं, I'm just an average guy. वो special है, हम ऐसे उनकी वजह से, वो हमारे हीरो हैं। मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया, पर ये लोग अच्छे लगते हैं। दाल में कुछ तो काला है, ये सच में इतने अच्छे हैं? कुछ तो है, पता लगाना पड़ेगा। हाय हाय, क्या बातें हो रही हैं? अच्छा भैया, मेरी भाभी से मिलो, रेणुका। और भाभी ये है हमारे भैया राजू। भैया क्या है बुजी? ए बुजी, चल चल। तुम्हारे लिए। थैंक यू। ए भानु। हाँ बुआ। झट से जा, अंडे और आधा किलो बेसन लेकर आ। तो मैं नहीं। ए जल्दी जा, सुनाई नहीं दे रहा क्या?
ये थैली पकड़, जल्दी लेकर आ। हाँ हाँ ठीक है। मैं मार्केट जा रही हूँ, साथ में चलना है क्या? क्या बाजार साथ में चलना है क्या? You are asking me to come? कल गाड़ी से उतार दिया, आज साथ चलने को कह रही हो, ठीक हो ना? सर जी ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे ही काम से जा रही हूँ इसीलिए पूछ लिया। आप लोग तो भगवान हो, रहोगे जाओगे कोई आइडिया नहीं, इस टाइम ऑमलेट ही बन सकते हैं, इसलिए बुआ ने अंडे लाने को बोला है। मुझे थोड़ा काम है, यहाँ की सैर ही कर लो। ऑलराइट, गिव मी अ मिनट। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? What's wrong? ऐसे ही चलोगे? तो क्या, uncomfortable? क्या तुम तीनों घर में चड्डी पहनकर घूमते हो? चड्डी नहीं है, shorts। गर्मी है और वैसे भी uncomfortable। कोई problem है क्या? मुझे कोई problem नहीं, पर यहाँ की लड़कियों को ऐसा देखने की आदत नहीं। वैसे क्या करते हो, मतलब अमेरिका में? मेडिसिन पढ़ रहा हूँ, I'm gonna be a doctor। ओह, broiler chicken। क्या? सब यहाँ पर या तो डॉक्टर है या इंजीनियर, यहाँ पर सबकी सोच एक जैसी है, ब्रॉयलर चिकन जैसी। यहाँ पर पढ़ाई करेंगे और अमेरिका भाग जाएंगे, सब पैसे की माया है। तुम्हें पैसे पसंद है? तुम्हें अंडे फ्री मिलते हैं क्या? क्या नहीं मतलब बिना पैसों के अंडे कैसे लोगी? अरे वाह बड़े स्मार्ट हो। फिल्में देखते हो? बहुत कम। फेवरेट फिल्म कौन सी है? वो गब्बर सिंह वाली, सरदार वाली, द फर्स्ट वन, जिसमें वो डायलॉग था ना, कितने आदमी थे, दैट वन। कौन सी सदी की बात कर रहे हो, एडवांस बनो। तुम्हारा भाई तो देखता होगा? नहीं नहीं वो तो बिल्कुल नहीं देखते। कौन से जमाने के हो, फिल्में नहीं देखते? दीदी तो फिल्मी कीड़ा है। अरे उन्हें कौन मना कर रहा है, जो देखना देख सकती हैं, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? वो तो ठीक है, पर जब सलमान और अक्षय गुस्से में होते हैं तो क्या मजा आता है ना। कातिल, जब दो प्यार करने वाले अपने फेवरेट हीरो की फिल्म देखते है ना, हाय रब्बा किस्मत ही खराब है, कर भी क्या सकते। इस तरफ दारू और गर्लफ्रेंड्स। व्हाट, क्या पूछ रही हो? यहाँ भैया की शादी हो रही है, मेरी नहीं, लेना है तो उनका इंटरव्यू लो। वैसे भी पीना बुरी चीज होती है, नशे में गर्लफ्रेंड के साथ कुछ हो गया तो, रॉन्ग थिंकिंग। अच्छा तो कुछ गलत होने के लिए तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड्स है? बोलो ना, शर्मा क्यों गए? You just don't give up, do you? मेरे बारे में छोड़ो, अपने बारे में बताओ, what do you do? Agriculture, BSc, देश का पेट भरते हैं हम। Hey, cricket, इसे पकड़ो, मैं खेल कर आता हूँ। मुझे अकेला छोड़कर जाओगे? क्या मैं टाइम पास की चीज हूँ? बहुत दिन हो गए खेले हुए, तुम आगे जाओ ना, मैं खेल कर आता हूँ। Can I play? नहीं चलो जाओ। अरे अभी मेरी बैटिंग चल रही है, जाओ यहाँ से। अरे तू चॉकलेट ले लेना। ये लीजिए ना, बहुत टेस्टी है। बस बस एक ऑमलेट और लो बेटा। हाँ थैंक्स। ये कौन है? वो दूल्हे का भाई है। कौन है? बुजी ईट। मस्त है यार, करंट है, शॉक लग जाएगा। ये भागने वालों में से है, ब्रॉयलर चिकन जैसा, वो भी अमेरिका में। हमारे लायक नहीं है, पर है तो हैंडसम। मेरे अंकल हैदराबाद में रहते हैं, आगे की सारी बात वो करेंगे। चिंता मत कीजिए, मुझे रेनू बहुत पसंद है। रेनू? हमें एक हफ्ते में अमेरिका लौटना होगा, तब तक अगर शादी। अच्छा इतनी जल्दी, क्या लड़की भाग जाएगी? अगर रेनू को प्रॉब्लम ना हो तो। एक हफ्ते का तो सवाल ही नहीं, हमारे एग्जाम्स भी तो हैं। एक हफ्ते में, इतनी जल्दी क्या है? विजिटर वीजा पर आया है ना, इसके बाद पता नहीं कब आना होगा, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। एक हफ्ता? मुझे थोड़ा आचार मिलेगा? इस बेवकूफ की तो टाइमिंग ही बेकार है। दीदी थोड़ा आचार देना। ए भानु। जी बुआ। जल्दी से लक्ष्मी चाची के घर जा और आचार लेकर आ, ये पकड़ और जल्दी से आना। हाँ जा जल्दी जा। इसका दिमाग है कि दही, इतनी बारिश है। भानु संभल के जाना। हाँ दीदी कहाँ गए ये सब? क्या
मैं इतनी मेहनत करके इतनी बारिश में अचार लेकर आई और ये लोग चले गए। बताऊंगी। जाने दो ना, उन्हें ये सब क्या पता। अच्छा अभी से साइड ले रही हो, बुद्धू हो तुम। मैं जाकर क्लास लेती हूँ। भानु 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 रुक जा, पापा ने कहा है बात करने को। प्लीज रुक जा, मुझे टेंशन हो रही है, मतलब उनके बारे में। हे, क्या बोलोगी उन्हें? पापा को बहुत पसंद हो, शादी में देर हो सकती है, शादी तो कभी भी हो सकती है, ये सब तो बकवास करना ही मत प्लीज। पसंद है तो सीधा बोलो ना। हाँ, तुम्हें पापा को रोज उनकी दवाई देनी होगी याद से। मैं जाकर पापा को बताती हूँ। भानु भानु पापा, भानु पापा, भानु दीदी को लड़का पसंद है, उन्होंने हाँ कह दी। ये क्या बचपना है, जरा शांति रख। बचपना थोड़ी है, दीदी की शादी है। बेटा जरा इधर आना, रेनू मेरी प्यारी बच्ची है, बाबा इसे बहुत प्यार करते हैं। शादी में देर हुई तो चलेगा, और शादी का क्या, वो तो कभी भी हो सकती है बेटा। तुम अच्छे से सोच लो, उसके बाद जवाब देना। पापा मैंने यही सब तो कहा था, मैंने भी यही पूछा था, आप और मैं एकदम सेम टू सेम। मैंने पूछा था ना, बता बता। बेटा फिर तुम्हारी दीदी ने क्या कहा? दीदी ने हाँ कहा, पसंद है ऐसा कहा। अब बस कर, मेरी सोने की गुड़िया, किसी की नजर ना लगे। बेटा मैं बहुत खुश हूँ, लड़का वाकई में बहुत अच्छा है, पर हाँ तुम चली जाओगी तो मेरी दवाई का क्या होगा। मैं तो यही हूँ ना, हूँ ना। जाओ तुम जा सकती हो, मैं पापा और बस हम दोनों। आप भी तो ना। चल छोड़ अब। टेंशन हो रही है पापा, एक हफ्ते में मैं चली जाऊंगी। पापा सिर्फ लड़कियां ही घर छोड़कर क्यों जाती हैं? पता नहीं ये रूल किसने बनाया है, ये तो चीटिंग है, बहुत बड़ी चीटिंग, धोखा। तुझे भी एक दिन जाना पड़ेगा सब कुछ छोड़ के। कभी नहीं, मैं कभी नहीं जाने वाली, शादी के बाद भी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो अपना कमरा छोड़कर भी कहीं नहीं सोऊंगी। मैं अभी बता रही हूँ पापा, मैं आपका बेटा हूँ, हमेशा रहूंगी। हे, तुमने कहा था ना सैर कराओगी, कब कराने वाली हो? तुम जानती हो ना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम मेहमान हैं। इसकी टाइमिंग इसकी तरह ऑफ है, अभी बताती हूँ। अच्छा हुआ याद दिलाया, हमारे यहाँ एक पुराना मंदिर है, मस्त है वो, चलोगे? अच्छा पुराना मंदिर, कूल। आप पर सुबह सुबह उठना पड़ेगा, वो भी 3 बजे। वो क्यों? यही तो परंपरा है, तुम अमरीकी लोग कर पाओगे? या नो प्रॉब्लम। ठंडे पानी से नहाना। ओके। सर से पैर तक। ओके। धोती पहननी पड़ेगी तुम्हें, वो जैसे तिरुपति में पहनते हैं। धोती मैं दूंगी ना। ओके। अब तुम आराम से सो जाओ, ठीक 3 बजे उठना। हाँ ठीक, अच्छे से सोना। ओके गुड नाइट। ये चिपकलियाँ। मुझे कुछ कहा? नहीं नहीं, वो जेट लैग हुआ है ना, नींद नहीं आ रही है।